दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स। वर्ड्स क्या होती है, एक पोएट्री को हम वर्ड्स कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स, इसमें बहुत सारे व्यूअर्स को कन्फ्यूज़न है कि फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है। आज की इस वीडियो में इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूँगा और इसके अलावा कौन कौन से वर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर में फ्री वर्ड्स में लिखे हुए हैं और कौन कौन से वर्ड्स ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हुए हैं, ये सबको मैं डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कहा था, इस वीडियो में हम लोग ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान चीज़ है अगर जिनको मीटर समझ में आता है तो। मैंने पिछली वीडियो मीटर के ऊपर ही बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के वो देखिए, क्योंकि उससे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। देखो ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वर्ड्स क्या होता है। वर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों एक पोएम, एक कविता, एक पोएट्री को ही हम वर्ड्स बोलते हैं। देखो माना जाता है कि पोएट्री को तीन टाइप से लिखा जाता है। पहला टाइप है फॉर्मल वर्ड्स, दूसरा टाइप है ब्लैंक वर्ड्स और तीसरा टाइप है फ्री वर्ड्स। इनमें सबसे ज़्यादा नियम फॉलो होते हैं फॉर्मल वर्ड्स के अंदर। फॉर्मल वर्ड्स में क्या होता है, मीटर भी फॉलो होता है और राइम भी फॉलो होती है। मीटर मैंने आपको कल समझा ही दिया। राइम का मतलब तो सबको ही पता होगा, जब दो लाइनें एक ही साउंड से ख़त्म होती है तो उसको राइमिंग बोलते हैं। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार और आर ये है राइमिंग। तो फॉर्मल वर्ड्स के अंदर मीटर भी फॉलो होता है और राइमिंग भी फॉलो होती है। जबकि हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले ब्लैंक वर्ड्स की। ये ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, तो दोस्तों ब्लैंक वर्ड्स का मतलब ऐसी पोएम जिसके अंदर मीटर को तो फॉलो किया जाता है लेकिन राइम्स को फॉलो नहीं किया जाता। तो सीधी भाषा में इसके अंदर मीटर होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती। ये ब्लैंक वर्ड्स में पोएट्री लिखना कब से शुरू हुआ, तो 16th century से 20th century तक ब्लैंक वर्ड्स बहुत पॉपुलर हुई। यहाँ तक कि शेक्सपियर ने अपने बहुत सारे प्लेज में ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है। तो 20th century तक ये ब्लैंक वर्ड्स बहुत पॉपुलर रही। और दोस्तों ध्यान देना, ये ब्लैंक वर्ड्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा मीटर यूज़ होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर ही यूज़ होता है। तो आई थिंक आपको ब्लैंक वर्ड्स का मतलब समझ में आया होगा। आपको और क्लियर करने के लिए मैं और एक दो चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आपको अगर कोई ऐसी पोएट्री दिखे जिसमें मीटर तो ठीक से फॉलो किया जा रहा है लेकिन राइमिंग फॉलो नहीं की जा रही, तो समझ लेना वो ब्लैंक वर्ड्स है। जबकि मीटर के साथ अगर राइमिंग भी फॉलो कर रहा है पोएट तो ये तो और भी अच्छी बात है, इसको हम बोलेंगे फॉर्मल वर्ड्स। अब मैं आपको कुछ पोएम्स के एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको ब्लैंक वर्ड्स अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, मेरे एक फेवरेट पोएट हैं विलियम बटलर येट्स, उनकी एक पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है, द सेकंड कमिंग। वो किस किस ने पढ़ रखी है, तो उस पोएम के अंदर जो शुरुआती लाइनें हैं उन पर हम नज़र डालते हैं तब अच्छे से हमें को समझ में आ जाएगा। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझ में आ ही रही है, ये शुरुआती दो लाइनें हैं सेकंड कमिंग की। सेकंड कमिंग बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ख़त्म हुई जायर वर्ड से और दूसरी लाइन ख़त्म हो रही है फैल्कनर वर्ड से। तो फैल्कनर और जायर, ये दोनों में कोई सिमिलरिटी दिख रही है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो यहाँ पे राइम स्कीम फॉलो हो ही नहीं रही, तुकबंदी फॉलो हो ही नहीं रही। लेकिन अगर हम इन लाइनों के अंदर जाएंगे और मीटर देखेंगे तो मीटर अच्छे से फॉलो किया है यीट्स ने यहाँ पर। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। यहाँ पर मीटर तो अच्छे से फॉलो हुआ है लेकिन राइम स्कीम फॉलो नहीं हुई, तो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। तो आई होप इस पोएम से आपको ब्लैंक वर्ड समझ में आई होगी। एक और पोएम लेकर के मैं आपको बता देता हूँ, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही फेमस पोएम यूलिसिस को जरूर आपने पढ़ा होगा। वो पोएम तो बहुत ही फेमस है, उनकी कुछ लाइनें हैं। इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अस डाउन, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स। तो यहाँ पर डाउन और आइल्स दोनों ही अलग अलग हैं, तो राइम तो फॉलो यहाँ पर नहीं हो रही। और जहाँ तक बात की जाए मीटर की, तो मीटर यहाँ पर स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, तो ये भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। आई होप अब आपको ब्लैंक वर्ड समझ में आया होगा जिसमें मीटर तो फॉलो होता है लेकिन राइम स्कीम फॉलो नहीं होती। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ कि राइटर्स ब्लैंक वर्ड्स को क्यों चूज़ करते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी राइटर को, किसी पोएट को लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखनी होगी, तो उसके लिए ये इस ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ कर सकता है राइटर। डायलॉग्स वगैरह लिखने होंगे, जैसे शेक्सपियर ने अपने प्ले हैमलेट में बहुत सारे डायलॉग्स ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हैं, तो उसके लिए भी ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है। तो ब्लैंक वर्ड्स के मार्केट में आ जाने से क्या हुआ कि पोएट्स बंधे हुए नहीं थे कि उनको राइम स्कीम फॉलो करनी ही होगी। वो मीटर को भी फॉलो करके बिना राइम स्कीम के अपनी चीज़ लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी पोएट को और ज़्यादा फ्री होकर लिखना है, तो ब्लैंक वर्ड्स के बाद एक और वर्ड्स आई जिसका नाम था फ्री वर्ड्स। इसमें राइम स्कीम तो फॉलो नहीं होती, यहाँ तक कि मीटर भी फॉलो नहीं होता। अमेरिकन पोएट्स ने बहुत यूज़ किया है फ्री वर्ड्स का, ख़ास तौर पे वॉल्ट विटमन ने। तो अगर मीटर यूज़ नहीं होगा, आप सोचो कि अगर मीटर यूज़ नहीं होगा तो लाइन की लंबाई कितनी भी हो सकती है, वो कितनी भी लंबी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, और किसी भी वर्ड की लंबाई कितनी भी ज़्यादा हो सकती है। तो मैं वॉल्ट विटमन के बारे में आपको बता रहा था कि वॉल्ट विटमन ने अपनी पोएट्री के अंदर, बहुत सारी पोएट्री के अंदर फ्री वर्ड्स का यूज़ किया है। एक काम की बात आपको मैं बताऊं कि वॉल्ट विटमन का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। वॉल्ट विटमन फ्री वर्ड्स के फादर भी बोले जाते हैं। अक्सर इनको फ्री वर्ड्स का फादर बोला जाता है क्योंकि ये अपनी पोएम्स में ना तो राइम्स यूज़ करते थे, ना मीटर यूज़ करते थे। हालांकि ये अपनी पोएम्स को पोएम्स जैसा बनाने के लिए मेटाफर्स, सिमिलीज या फिर पर्सोनिफिकेशंस का यूज़ करते थे, लेकिन ये राइम्स और मीटर का इतना स्ट्रिक्ट यूज़ नहीं करते थे। तो इन्हीं को ही फादर बोला जाता है। इनसे पहले इवन बहुत सारे राइटर्स आए, बहुत सारे पोएट्स आए जो फ्री वर्ड्स में लिखते थे, लेकिन फादर तो वॉल्ट विटमन को ही कहा जाता है। और आजकल की अगर मैं बात करूँ तो आज ऐसे बहुत सारे पोएट्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं जो फ्री वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो फ्री वर्ड्स में तो एक स्टैंजा कितना भी लंबा होगा ये मायने नहीं रखता। अब मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। एक फ्री वर्ड्स में लिखी हुई एक फेमस पोएम है टी एस एलियट की, लव सॉन्ग ऑफ जी एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये जो पोएम है ये फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है। तो फ्री वर्ड्स से एक पोएट को आज़ादी मिलती है, और आज के अधिकतर पोएट्स फ्री वर्ड्स में ही लिखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो राइटर, जो पोएट फ्री वर्ड्स में लिख रहा है तो वो पोएट्री के बाकी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। बाकी नियमों को भी फॉलो किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो फिर सिर्फ राइम और मीटर को छोड़ करके बाकी नियमों को तो फॉलो किया ही जाता है। अगर सारे ही नियम ख़त्म कर दोगे तो इससे अच्छा है प्रोज ही लिख लो, पोएट्री लिखने का क्या मतलब है फिर। वैसे इस वीडियो को ख़त्म करते करते मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। हम सबको मालूम है वर्ड्सवर्थ अपनी पोएट्री राइटिंग को लेकर के कितने सीरियस राइटर थे, एक बहुत ही सीरियस पोएट थे। उन्होंने सबको एक बात बताई है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में कि क्यों मैं पोएम्स ही लिखता हूँ, मैं नोवेल्स भी लिख सकता हूँ, मैं प्ले भी लिख सकता हूँ, प्रोज लिख सकता हूँ कुल मिलाकर के, लेकिन क्यों मैं पोएम्स ही लिखता हूँ। क्योंकि पोएट्री के अंदर एक चीज़ होती है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है मीटर। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि उन्हें मीटर बहुत पसंद है, क्योंकि पोएट्री लिखते वक्त वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते थे मीटर के ज़रिए। मीटर जो होता है पोएट्री के अंदर, वो आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, इसलिए उन्होंने पोएट्री को चूज़ किया। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।